हेलो प्यारे दोस्तों क्या आपने कभी सी देखा है क्या आपको पता है सी के किनारे को क्या बोलते हैं सी के किनारे को बोलते हैं बीच क्या आपने कभी बीच देखा है अगर हाँ तो आपने देखा होगा कि बीच के किनारे इस तरह से पेड़ दिखाई देते हैं हमें नारियल के और कुछ लोग जो है वहां पर अपनी अपनी दुकानें लगा के बैठ जाते हैं ताकि वो कुछ कमा सके तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपकी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर A day एट द बीच तो आइए शुरू करते हैं A day एट द बीच हम्म देखो कितना अच्छा सीन है यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अपने शॉप्स अलग अलग लगा के बैठे हैं यहाँ पर एक फ्रूट्स वेंडर है यहाँ पर एक आंटी है जो नेकलेसेस बेच रही है एक अंकल है जो बलून्स बेच रहे हैं चलिए आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहे हैं Look at the above picture, count and write the number of objects given below. तो so, कोकोनट्स हमें dhoondne हैं इस पिक्चर में कितने कोकोनट्स हैं तो so, आइए देखते हैं hmm. एक तो कोकोनट्स आप देखिए पेड़ों के ऊपर लगे हुए hain 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी है वन टू थ्री फोर फाइव तो इसका मतलब है फाइव यहाँ पर है फाइव यहाँ पर है फाइव यहाँ पर है यहाँ पर भी फाइव है और ये भी फाइव है है ना तो फाइव वन साइव फाइव टू जो टेन फाइव थ्री ट्वेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी और ये ट्वेंटी सिक्स और ये ट्वेंटी सेवन तो टोटल कितने हो गए ट्वेंटी सेवन तो कोकोनट सा ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट दे आर आस्किंग बोट्स कितनी है तो आइए देखते हैं बोट्स कितनी है तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी ग्रुप बने हुए हैं ये वन वन टू थ्री और फोर यहाँ पे है और वन टू थ्री और फोर यहाँ पे है और वन टू थ्री और फोर यहाँ पे यानी कि फोर फोर के ग्रुप्स बने हुए हैं कितने ग्रुप्स हैं एक ग्रुप सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप तो टोटल कितनी बोट्स हो गई फोर इन थ्री यानी के फोर थ्री आर ट बोर्ड तो कितनी बोर्ड हो गई टोटल ट्वेल्व नेक्स्ट है चिल्ड्रन हमें पता करना है कि बच्चे कितने हैं तो जैसा कि आपको दिख रहा है एक यहाँ पे है दूसरा यहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स तो कितने कितने चिल्ड्रन हैं सिक्स चिल्ड्रन अब वो पूछ रहा है ऑरेंजेस तो ऑरेंजेस देखो एक तो यहाँ है ऑरेंजेस राइट right. ये कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन 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 के दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर भी टेन होंगे तो अगर टेन के दो ग्रुप्स हैं तो टोटल कितने हो गए टू वेरी गुड ट्वेंटी देखो बच्चों दो तरीके हैं या तो आप इनको अलग अलग गिनते जाओ पहले टेन गिना फिर इसको गिनो इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है तो हम क्या करते हैं हम इनके ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर एक ही बार में निकाल लेते अस डू लुक एट द शॉप शोन इन द पिक्चर एंड फिल इन ब्लैंक्स तो वहां पर हमें अभी पिक्चर देखेंगे और फिर हमें ये फिलअप को भरना है देर आर डैश नेकलसेस कितने नेकलेसेस है ये हमें बताने हैं ऑफ शेल्स विद टेन शेल्स इन ईच नेकलेस मतलब हर एक नेकलेस में दस दस शेल्स हैं जैसे ये आंटी यहां बैठी हुई है, इनके पास ये जो एक नेकलेस है इस नेकलेस में टेन शेल्स हैं। अगर आप इसको ऐसे गिनोगे वन टू थ्री तो ये जो छोटे-छोटे शेल्स है, ये 10 हैं। हमें बताना है कि आंटी के पास कितने नेकलसेस है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन टेन नेकलेसेस तो देयर आर

दूसरा ग्रुप ये है इसमें भी कितने हैं फोर तो ये सभी फोर फोर के ग्रुप्स बन रहे हैं ये भी फोर है ये भी फोर है ये भी फोर है और ये भी फोर है तो ये ग्रुप्स हैं और ये जो दो हैं ये अलग हैं ये लूज हैं अलग से तो अब हमें देखिए ग्रुप्स कितने का है ग्रुप्स तो फोर फोर का है कितने ग्रुप्स हैं तो एक एक ग्रुप ये दूसरा ग्रुप ये तीसरा ग्रुप ये चौथा ये पांचवा ये तो सिक्स ग्रुप्स हैं टोटल सिक्स ग्रुप्स हैं ग्रुप ए ग्रुप में फोर हैं और लूज कितने टू हैं तो आइए अप करते हैं देयर आर सिक्स ग्रुप्स कितने ग्रुप्स हैं सिक्स ग्रुप्स ऑफ बलून्स विद डैश बलून्स इन ईच ग्रुप हर एक ग्रुप में कितने थे फोर वेरी गुड और कितने लूज बलून्स थे हमने देखा था अलग से अकेले थे वो यस टू बलून्स जो थे वो अलग थे थर्ड है देर आर डैश ऑफ बनानाज विद डैश बनाना इन ईच बंच एंड डैश लूज बनाना अब हमें यही चीज जो है बनाना के लिए देखनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो एक ग्रुप में ट्वेल्व ठीक है एक बंच में ट्वेल्व है और ऐसे कितने हैं वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ओके okay? तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक बंच में ट्वेल्व हैं और ऐसे कितने बंचेज हैं हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल तो बंचेज हैं हमारे पास सिक्स तो कितना होगा ट्वेल्थ सिक्स आर? टेबल आता है यस yes, तो बताओ ट्वेल्व सिक्स हजार सेवेंटी टू तो टोटल हो गए 72. अब यहाँ पर जो है कुछ बनानाज खाली पड़े हुए हैं ये अब यहां पर जो है कुछ बनानाज बिना ग्रुप के पड़े हुए हैं इनको भी काउंट कर लेते हैं ये कितने हैं तो यहाँ पे फाइव जो हैं वो लूज हैं. तो इसका मतलब है 72 टू तो बंचेज में है और फाइव लूज हैं. तो 72 टू प्लस फाइव सेवेंटी सेवन टोटल बनानाज हैं आर ज has collected some समील She wants to help her mother in making bracelets and necklaces. तो Surbhi ने कुछ सी शेल खरीद इकट्ठे किए हैं और वो अपनी मदर की help करना चाहती है bracelet और necklace बनाने में तो ये तो जो है उसने इकट्ठे किए हुए हैं

फाइव हर एक ग्रुप में फाइव शहर ठीक है उसकी मदर ने जो बनाया है वो देखिए वो हर मदर हैज मेड डैश ग्रुप कितने ग्रुप्स है वन ये ग्रुप टू ये ग्रुप थ्री ये ग्रुप फोर और ये ग्रुप फाइव तो कितने ग्रुप्स हो गए टोटल फाइव ग्रुप्स हो गए और हर ग्रुप में कितने हैं देख लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक बार इसमें भी काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसका मतलब है कि हर एक ग्रुप में उसकी मदर ने टेन शेल्स लिए हैं यहाँ पे बड़ा ही एक मजेदार टंग ट्विस्टर हमें दे रखा है जिसको हम फटाफट बोलेंगे तो हम गलती जरूर करेंगे शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर फटाफट बोल के दिखाओ एक बार शी सेल्स सी शेल्स एट द सी शोर आ, जुबान लड़खड़ा ही ना नहीं बोल पाए बट कोशिश करते रहे ना एक दिन आप इसको बहुत अच्छे से बोल पाओगे और फिर आप दूसरों को बोलोगे और वो ये नहीं बोल पाएंगे लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट दैट कम इन पैक्स ऑफ टेन आपको यहाँ पर तीन ऐसी चीजें बतानी है जो टेन टेन के पैकेट्स में आती है। तो जरा बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो टेन के पैक्स में आती है अच्छा एक चीज तो आप ही के पास है बताओ देखो आपकी बॉडी ध्यान से देखो देखो आपकी बॉडी को ध्यान से देखो कुछ तो है जो टेन है हाँ पकड़ लिया फिंगर्स तो हमारी जो फिंगर्स है वो टेन के ग्रुप्स में आती है वेरी गुड अच्छा जी इसके अलावा और क्या है जो टेन के ग्रुप्स में आता है जरा सोचो और सोचो एक हिंट देता हूं हम उससे लिखते हैं हाँ पेंसिल तो पेंसिल जब हम पूरा पैकेट खरीदते हैं तो पेंसिल का जो पैकेट है उसमें भी टेन पेंसिल्स आती हैं इसी तरह आप तीसरी भी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो एक एग्जाम्पल एक जो मैं और आपको देता हूँ वो है आपका मोबाइल नंबर जब आप मोबाइल नंबर लिखते हो तो ध्यान से देखना वो हमेशा टेन डिजिट्स का होता है जैसे मैं एक कोई भी मुझे नहीं पता ये किसका है लेकिन मैं एक नंबर आपको लिख के बताता हूँ जो मोबाइल नंबर जैसा जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया है नाइन फोर सिक्स वन टू सेवन फोर थ्री सिक्स टू अब मुझे नहीं मालूम है कॉल मत कर देना आप लोग बट ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो मोबाइल नंबर होता है उसमें टेन डिजिट्स होते हैं तो मोबाइल नंबर एक्चुअली टेन डिजिट का एक पैक है टेस्टी चीकूज मनोज इज हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चीकूज दैट ही हैज अरेज इन ट्रीज अब मनोज जो है वो अपने फादर की हेल्प करना चाहता है चीकूज को बेचने में और उसने इस तरीके से चीकू को अरेंज कर दिया है तो जैसे आपको ये ट्रे दिखाई दे रही है ऐसे ट्रे में उसने अरेंज कर दिया है चीकूज को देखिए आइए देखते हैं ये आगे क्या पूछ रहा है हमसे देर आर डैश चीकूज इन वन ट्रे अब एक ट्रे में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो एक ट्रे में कितने टेन चीकूज हैं हाउ मेनी चीकूज आर देयर इन टोटल अब टोटल चीकूज कितने तो हमें पता है कि एक ट्रे में टेन है हम गिन लेंगे कितनी ट्रे है एक ट्रे दो ट्रे तीन चार पाँच छ सात आठ एट ट्रेज हैं एट ट्रेज हैं और एक ट्रे में टेन टेन है तो हम सीधा एट को टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा टोटल चीकूज बन जाएगा हाउ मेनी चीकूज आर देयर एट इन टू टेन एट टेन्सर एटी तो हमारे टोटल चीकूज हैं 80. नाउ हेल्प मनोज इन प्लेसिंग ऑल द चीकूज इन अ ट्रेज फॉर सेलिंग अब हमें कुछ हेल्प करनी है मनोज की 25 फाइव चीकूज को हमें arrange करना है तो हमें पता है कि एक ट्रे में कितने आएंगे बताओ 10. दूसरे ट्रे में कितने आएंगे बताओ 10. तो दोनों ट्रेज में कितने हो गए 20. और पांच बच गए तो पांच हम लूज रख लेंगे तो इसका मतलब हो गया ट्वेंटी फाइव चीकूज के लिए हमें कितनी ट्रेस चाहिए दो ट्रेस चाहिए जिसमें टेन चीकूज होंगे हर ट्रे में और लूज कितने रह गए फाइव चीकूज जो है वो लूज रह गए खाली रह गए 1, 1, 1, 1, क्योंकि इनका हम ग्रुप नहीं बना पाए बी है फोर्टी थ्री चीकूज अब फोर्टी थ्री का मतलब हो गया फोर्टी और थ्री करेक्ट तो फोर्टी को तो हम अरेंज कर देंगे और जो थ्री है वो लूज रह जाएंगे तो फोर्टी के लिए कितनी ट्रे चाहिए और फोर क्योंकि तो कितनी ट्रेज हो गई फोर ट्रेज और कितने खाली रह गए सिंगल सिंगल रह गए वो रह थ्री चीकूज आप थर्टी फाइव के लिए थर्टी फाइव के लिए थर्टी और फाइव करेक्ट तो थर्टी तो हम अरेंज कर देंगे और फाइव लूज रह जाएंगे तो ये रह गए फाइव लूज और थर्टी के लिए हम टेन टेन का तो कितने आ जाएंगे वन टू थ्री तो थ्री ट्रेज थ्री टेंस है थर्टी और चीकूज फाइव रह गए अकेले। अब 58 के लिए क्या करेंगे 50 और 8, देखो, ये ones है, और ये tens है. Sure आपको ये पता होगा, टीचर ने आपको बताया होगा कि पहला नंबर वन होता है दूसरा टेंस होता है तो कितने टेंस हैं? फाइव टेंस तो इसका मतलब वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टेंस तो फाइव ट्रेज हो गई फाइव ट्रेज में टेन टेन चीकू है और लास्ट में एट जो है वो अकेले वंस वंस बचे हैं तो एट चीकूज अलग से हम्म इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अस मैच अब एट्टी चीकूज 80 चीकूज का मतलब है एक ट्रे में टेन आ गई तो दूसरी में ट्वेंटी तीसरी में थर्टी चौथी में फोर्टी तो कितनी एटी के लिए कितनी ट्रेस चाहिए बच्चों बताओ एट ट्रेस तो एट कहाँ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हम इसको इससे कर देंगे मैच अब 72 72 का मतलब हो गया टेंस कितने सेवन और वॉन्स कितने टू तो वॉन्स कितने टू ये रहा वॉन्स टू अब हम टेंस भी गिन लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो 72 का मतलब है सेवन फुल ट्रेज और दो अलग से चीज़ को अब 56 के लिए 56 का मतलब हो गया फाइव और

छोटे छोटे ब्लॉक्स को लेकर एक इस तरीके से टावर बना दिया है इसने ना बुर्ज खलीफा देखते कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन तो इसने क्या किया है कि टेन छोटे छोटे ब्लॉक्स को लेकर और एक पूरा जो है एक पूरी ब्लॉक बना दी है इसने. इसने इस तरीके से एक पूरा ये स्टिक बना दी है ठीक है तो इसका मतलब है एक ब्लॉक स्टिक का मतलब हुआ इसमें कितने ब्लॉक्स हैं टेन तो अब हम याद रखेंगे कि ऐसा जब भी एक ब्लॉक बनेगा वो हमेशा टेन का ही बनेगा और यहीं पर एक लड़का है जिसने क्या किया है उसने एक स्ट्रिप बनाई है स्ट्रिप मतलब इस तरीके से ऐसे लेट कर लेटी हुई एक स्ट्रिप बनाई है ठीक है अब इसने भी कितने लिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसका मतलब हुआ कि एक टेन स्ट्रिप में कितने यूनिट्स होंगे टेन यूनिट्स यहाँ पर उसने ब्लॉक कहा था ठीक है यहां पर ये यूनिट कह रहा है बात एक ही है यहाँ पर भी ब्लॉक ही है पर इसको वो यूनिट की तरह बोल रहा है तो कितने यूनिट्स हैं टेन यूनिट्स तो इसका मतलब है कि एक या तो हम ब्लॉक की स्टिक बनाएंगे या हम ऐसी स्ट्रिप बनाएंगे वो हमेशा टेन के ग्रुप की ही बनेगी जैसे यहां पर देखिए यहां पर आप अगर देखोगे तो इन्होंने क्या किया है कि एक ये ब्लॉक पूरा बना दिया अब इस एक ब्लॉक में कितने होंगे टेन दूसरे ब्लॉक में कितने होंगे उसमें भी टेन तीसरे ब्लॉक में कितने होंगे उसमें भी टेन तो इस पूरे में हम क्या कह सकते हैं टेन थ्रीजा थर्टी ये टोटल कितना हो गया थर्टी और लूज कितने हैं वन टू थ्री फोर तो ये नंबर पूरा क्या बना थर्टी और फोर थर्टी फोर ये देखो ये थर्टी फोर बना टोटल ठीक है अब इसमें ब्लॉक स्टिक्स कितनी है ब्लॉक स्टिक तीन है एक दो और तीन और लूज कितने हैं ब्लॉक्स वो लूज ब्लॉक है ये ब्लॉक की बनी हुई स्टिक है ब्लॉक की स्टिक है ये और ये ब्लॉक्स हैं एक अलग, अलग अलग अकेले को बोलेंगे ब्लॉक और जब हम दस का ग्रुप बना देंगे तो उसको बोलेंगे ब्लॉक की स्टिक या हम उसको बोलेंगे ब्लॉक की स्ट्रिप अगर ऐसे होगी तो स्ट्रिप बोल देंगे और अगर अलग अलग कलर के हैं तो उनको स्टिक बोलेंगे अब यहाँ पर देखें यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पर ये ब्लॉक्स है वन टू थ्री ये तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं और स्टिक कितनी बनी हुई एक दो थ्री फोर फाइव फाइव स्टिक्स तो इसका मतलब है फाइव तो ब्लॉक की स्टिक है और थ्री जो है ब्लॉक्स है तो ये वाला नंबर कितना बना जरा बताओ मुझे ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइव ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में टेन है यानी कि फाइव टेन जार फिफ्टी फिफ्टी और थ्री दोनों मिलकर हो गए फिफ्टी थ्री इसी तरह से यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर फोर ब्लॉक स्टिक्स हो गई स्टिक्स तो फोर हो गई और ब्लॉक्स अलग अलग कितने वन टू थ्री फोर तो टोटल नंबर क्या बना ये तो बना ये वाला बना फोर टेन्स आर फोर्टी और फोर फोर्टी और फोर फोर्टी फोर अब यहाँ पर हमें स्ट्रिप्स दे रखी है हर एक स्ट्रिप टेन टेन की है तो ये भी टेन ये भी टेन ये भी टेन और ये भी टेन और ये अलग अलग है ये यूनिट्स हैं कितने यूनिट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स यूनिट्स हैं और कितनी स्ट्रिप्स है हमारे पास वन टू थ्री फोर स्ट्रिप्स है तो हम बोलेंगे फोर जो है वो टेन स्ट्रिप्स है और सिक्स जो है वो अलग है तो ये वाला नंबर क्या बना ये भी वैसे बनेगा फोर ब्लॉक्स हैं फोर स्ट्रिप्स है फोर टेन जार फोर्टी फोर्टी और सिक्स फोर्टी सिक्स इसको देखो यहाँ पर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स टेन ये हो गया और ये कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये एट है तो टेन वाली कितनी है सिक्स है और यूनिट्स कितने हैं एट है तो पूरा नंबर क्या बना ये तो बना सिक्सटी और ये एट तो दोनों मिलकर हो गए सिक्सटी एट अब ये वाला आप खुद करोगे कंप्लीट द बिलो टेबल अब यहां पर क्या है आपको एक नंबर दे रखा है आपको बताना है कि टेन की स्ट्रिप कितनी लगेगी और यूनिट कितने लगेंगे तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है हमें पता है कि अगर नंबर हमारा लिख रखा है जैसे सपोज करो ट्वेंटी फोर तो हमें पता है कि ये वंस है और ये टेंस है तो टेंस मतलब टेन वाली स्ट्रिप तो कितनी स्ट्रिप हो गई टू तो टू स्ट्रिप हो गई टेन वाली और फोर हो गए वंस यानी के फोर हो गए यूनिट्स अब 36 में टेंस कौन सा है थ्री तो कितनी स्ट्रिप्स आएंगी थ्री तो स्ट्रिप्स आएंगी और सिक्स अलग अलग यूनिट्स आएंगे 72 में सेवन आपकी स्ट्रिप्स आएंगी और टू आपके यूनिट्स आएंगे 69 में ये वंस है ये टेंस है तो टेंस कितना है आपका सिक्स सिक्स स्ट्रिप्स आएंगे आपकी टेन टेन की और नाइन आपके यूनिट्स आएंगे और फोर्टी में है मतलब फोर आपकी स्ट्रिप आएगी 4 10 और 40 और 6 आपके यूनिट्स आएंगे लेट्स मेक 100 अब देखो बच्चों हमने अभी क्या देखा कि पहले एक ब्लॉक होता है ठीक है उस ब्लॉक के साथ हम जब 10 10 ऐसे ब्लॉक्स इकट्ठा कर देते हैं तो वो एक स्ट्रिप बन जाती है वो स्ट्रिप का मतलब होता है कि उसमें 10 होते हैं ठीक है थीके? इस तरह से एक स्ट्रिप बनती है अब इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, एट नाइन और टेन इस तरीके से बन गया तो ये एक स्ट्रिप हो गई अब इस एक स्ट्रिप में कितने हैं टेन यूनिट्स हैं अगर हम ऐसे ही टू थ्री फोर अगर हम ऐसे ही टेन स्ट्रिप्स बना दें तो दूसरे वाले में भी टेन होगा तीसरे में भी टेन होगा चौथे में भी टेन होगा ऐसे करके टेन 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 जर कितना हो जाएगा हंड्रेड तो आप यहाँ पे देखो इन्होंने भी ऐसे ही स्ट्रिप ली है तीन तो रेड कलर की स्ट्रिप्स ली है और बाकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन येलो कलर की स्ट्रिप्स लिए ठीक है अब सेवन येलो स्ट्रिप्स का मतलब हो गया कि ये टोटल कितने हो गए सेवन टेन हजार सेवनटी तो इसका मतलब है येलो तो हो गए सेवन और ये हो गए थ्री इंटू टेन थ्री टेनजार थ्री टेन थर्टी तो सेवनटी और थर्टी को जब आप प्लस करोगे तो ये पूरा ब्लॉक जो बनेगा ये बनेगा हंड्रेड का तो इस तरीके से 100 का ब्लॉक बनता है जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि ये 10 की स्ट्रिप है इसके साथ एक और 10 की स्ट्रिप लगा दी फिर तीसरी लगा दी फिर फोर्थ लगा दी फिफ्थ लगा दी ऐसे जब हम 10 स्ट्रिप्स जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 10 स्ट्रिप्स 10 का तो 10 टेन जार हमें पता है वो कितना होता है वन तो ये हंड्रेड का इस तरह से एक पूरा ब्लॉक आपको दिखाई देगा आइए इस वाले को सॉल्व करते हैं यहाँ पर येलो यूनिट्स कितनी है तो हम बताएंगे एक दो तीन चार पाँच फाइव हो गई है ना और टेन टेन की है तो फाइव टेन हजार फिफ्टी येल्लो यूनिट्स हो गई और फिफ्टी अगर येलो यूनिट्स है तो रेड गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच तो ये भी हो गई फाइव टेनजार फिफ्टी तो इसका मतलब है रेड यूनिट्स भी फिफ्टी हो गई तो अब येलो स्ट्रिप्स कितनी है ये एक स्ट्रिप ये दूसरी स्ट्रिप ये तीसरी स्ट्रिप फोर्थ और फाइव तो फाइव येलो स्ट्रिप्स हैं फाइव ही आपकी रेड स्ट्रिप्स हैं, ठीक है टोटल यूनिट्स कितने हो गए टोटल मतलब ये पूरा तो हमने बता दिया है कि ये कितना होगा हंड्रेड यूनिट्स और स्ट्रिप्स कितनी हो गई स्ट्रिप्स कितनी हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन स्ट्रिप्स हो गई आइए इस वाले को देखते हैं येलो यूनिट्स कितनी है तो एक वन टू थ्री फोर स्ट्रिप्स हैं तो इसका मतलब है टोटल यूनिट्स कितने हो गए यूनिट्स ठीक है रेड यूनिट्स कितने होंगे कितने हो गए यूनिट तो सिक्सटी रेड यूनिट्स हो गए और येलो स्ट्रिप्स कितनी हुई वन टू थ्री फोर फोर येलो स्ट्रिप्स सिक्स रेड स्ट्रिप्स टोटल वही हंड्रेड यूनिट्स और स्ट्रिप्स कितनी हुई टेन यहाँ देखिए येलो स्ट्रिप्स कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट स्ट्रिप्स हो गई रेड और टू स्ट्रिप्स हो गई येलो तो येलो यूनिट्स कितने हुए टू टेन्वेंटी यूनिट्स तो येलो हो गए रेड कितने हो गए रेड हो गए एट इंटू टेन यानी कि एट आर एटी रेड यूनिट्स हो गए स्ट्रिप्स कितनी हुई तो येलो स्ट्रिप्स तो दो हैं और रेड स्ट्रिप्स कितनी है? एट. और टोटल कितना है ये पूरा टोटल तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि ये पूरा टोटल जो है वो हंड्रेड यूनिट्स का होगा और हंड्रेड यूनिट्स का मतलब है कितनी स्ट्रिप्स हो गई एट और टू टेन स्ट्रिप्स टोटल तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों अगली बार जल्दी ही मिलेंगे इसका सेकेंड पार्ट लेकर और इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे तब तक अपने मम्मी पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक बाय टेक केयर